मौजूदा पार्लियामेंट आइन में तरमीम करने का मैंडेट नहीं रखती। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफी होगी। हुकूमत सियासी मकासद के लिए इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रही है, देखते हैं पीपल्स पार्टी कैसा आईनी मुसवदा लाती है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का असेंबलियां छोड़कर सड़कों पर आए तो ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट चुरा कर इन्हें दिया गया। पंचकोर में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 7 मजदूरों की मैयतें शिजाबाद पहुंचा दी गई। इलाके में कोहराम, हर आंख अश्कबार, लवाहिकीन गम से निढाल। 4 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सोगवारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मिल गया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मेडिकल जराये ने तस्दीक की है मैयत पर कोई जाहरी जख्म मौजूद नहीं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद दुनिया भर में मुजाहरे। और पाकिस्तान के आसार कदीमा और तहजीबी विरसे का जश्न इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के तहत अहम बैन अवी कॉन्फ्रेंस कल होगी। मुकर्ररीन पाकिस्तान की तहजीबी मीरास और आलमी सकाफती मंजरनामे पर असरात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, इसके सिवा अब कोई हल नहीं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम पर गोलियां बरसाई गई, शेल पर शेल फायर किए गए, हैंड ग्रेनेड फेंके, बस सब बहुत हो गया, अब जो तुम करोगे वो हम करेंगे। रावलपिंडी में एहतजाज पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज। मरी रोड, लियाकत बाग पर एहतजाज और जलाओ घेराव पर 58 पीटीआई रहनुमाओं समेत 150 से जायद कारकुनों के खिलाफ पर्चे कट गए। थाना वारिस खान, थाना आरे बाजार, थाना न्यू टाउन और थाना सिटी पुलिस ने एहतजाज और जलाओ घेराव पर मुकदमा दर्ज किया। पंजाब में बदमाशी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं। पंजाब लावारिस नहीं है, मरियम नवाज को रिट बरकरार रखनी आती है। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी कहती है वजीर आला केपी चाहते हैं पंजाबी और पख्तून आपस में लड़ें। जो पंजाब में आकर कानून हाथ में लेगा उनसे सख्ती से निपटेंगे। केपी की आवाम को अली अमीन गंडापुर का गिरेबान पकड़ना चाहिए। केपी हाउस दहशतगर्दों की अमाचगा है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था इसलिए वो पिंडी जाने से गुरेजा हैं। वजीर आला केपी करते कुछ नहीं, सिर्फ हुकूमतों को ललकारते हैं। ये जलसे जुलूस और नाच गाने से फारिग हो तो सूबे पर तवज्जो दें। बात अगर फौज से करनी है तो फिर फौजी ट्रायल भी बर्दाश्त करो। टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। इस साल 7,23,000 अफराद टैक्स नेट में आए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, देखा जाएगा फाइलर्स ने क्या जाहिर किया और असल असासे क्या हैं। वजीर खजाना ने कहा 6 वजारतों और 1.5 लाख खाली असामियां खत्म करने का फैसला किया। कैपिटल अथॉरिटी की वजारत खत्म और 2 को जम किया जा रहा है। मजीद 5 वजारतों को रखने या ना रखने का फैसला करेंगे। अतातारर का कहना है टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा तरक्की और इस्तेहकाम की अक्कासी है। FBR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर। जराए के मुताबिक वजीर आजम की वतन वापसी पर तारीख में तौसी की सिफारिश की जाएगी। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर कराची में मुख्तलिफ जमातों की रैली। MT खान रोड पर MWM रैली के शुरका की अमरीकी कौंसल खाने की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिन को रोकने के लिए लाठीचार्ज और शल। मुजाहिद ने पत्थर बरसाए। पथराव से पुलिस की 2 मोबाइल समेत कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। AIY न्यूज की DSMG के शीशे टूट गए। झड़पों में 6 पुलिस एहलकार जख्मी। हालात पर काबू पाने के लिए रेंजर्स तैनात। पुलिस और MWM के दरमियान कामयाब मुजाकरात के बाद शुरका ने धरना खत्म कर दिया। हिरासत में लिए गए मुजाहिद रिहा। इसराइल की गजा में जारहियत जारी। 24 घंटे में 52 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में 3 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। शिमाली गजा पर भी इसराइली तैयारों ने बम बरसाए। इटली में फलस्तीन और लबनान की हिमायत में रैली निकाली गई। तेल अवीव में इसराइली वजीर आजम के खिलाफ मुजाहरा। यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। पाकिस्तान की मशरक वुस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिमजोई की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है शहरी आबादियों पर इसराइली हमले और बैन अवी कवानीन की पामाली तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी। गुज़श्ता कई दिनों से इसराइली अफवाज लबनान की शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान इसराइली जारहियत के मुतासरीन और लबनान के आवाम से ताज़ियत करता है।
अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर देते हैं कि इसराइल को खित्ते में मुहिमजोई से रोके। सलामती कौंसिल बैनुल अक्वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों से इसराइल को बास रखे। सेनेटर मुश्ताक अहमद एहलिया समेत इस्लामाबाद में गिरफ्तार। पुलिस ने मुश्ताक अहमद और एहलिया समेत 45 अफराद को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफराद में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल। सेव गजा मुहिम के तहत सेनेटर मुश्ताक की क्यादत में मुजाहरीन डी चौक में एहतजाज करना चाहते थे। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में ले लिया। जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा न बने। 300 से ज्यादा वकला ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खत लिख दिया। वकला ने खत में कहा, नई अदालत का जज बनने वाले पीसीओ जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। मुजव्वजा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। नंबर्स पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। विफाक और सूबे की लीडरशिप की एक दूसरे को धमकियां खतरनाक हैं। विफाक और सूबों में महाजाराई से मुल्क का नुकसान होगा। जब तक इस्लाहात नहीं की जाएंगी बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन खाकान अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम की सबसे बड़ी खामी यही है कि किसी ने तरमीम देखी ही नहीं। नून लीग ने जिस सियासत का इंतखाब किया उससे इख्तलाफ है। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, गैर जमहूरी सोच खत्म करना होगी। हक के एहतजाज नहीं रोकना चाहिए। फाटा इंजमाम पर एक एक करके सियासी जमातें पीछे हट गईं। फाटा को पैसे देने पर कोई सियासी जमात राजी नहीं थी। हमारा निजाम आईन के मुताबिक नहीं है। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। मुस्तफा कमाल बोले, अगर जबरदस्ती मजीद 20 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज करने की कोशिश की तो फिर हम असेंबली रुकनियत और हुकूमत छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून ने 8 माह में हमें वो इज्जत नहीं दी जिसके हम हकदार हैं। आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे लेकिन चाहते हैं बल्दियाती इख्तियारात का मामला हल किया जाए। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, हुकूमत के पास आईनी तरामीम के लिए नंबर पूरे हैं, जब चाहे आईनी तरामीम मंजूर करा सकती है। विसाके जमहूरियत में तय हुआ था कि आईनी अदालत का क्याम होगा। जुडिशरी में चंद लोग काबिज होकर मुल्क का सियासी नक्शा तब्दील कर देते हैं, नहीं चाहते चंद लोग बैठकर पूरे इदारे को अहमाल बना लें। अवाम को रिलीफ का वादा पूरा न करने पर हुकूमत के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। कमर तोड़ महंगाई, बिजली के भारी बिलों, IPPs मुआहिदों और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ शहर शहर धरने और एहतजाज। कराची में 13 अहम सड़कों पर धरना। शुरका ने हुकूमत को मुआहिदे में किए गए वादे याद दिलाए, नारे लगाए। लाहौर में वहदत रोड पर धरना। लियाकत बलोच ने खिताब में कहा, अवाम के टैक्सों पर मुठ्ठी भर लोग अयाशियां करते हैं। IPPs अंधा कुआं हैं, कैपेसिटी बिल नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल नहीं किया, हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। पेशावर में मुजाहिरीन ने निश्तराबाद से हर्षनगरी तक पैदल मार्च किया, हर्षनगरी में धरना दिया। मुल्तान में खानेवाल रोड, उकाड़ा में प्रेस क्लब पर, स्वाबी में रैली के बाद अमन चौक पर धरना दिया गया। लोअर दीव, स्वात और मलाकंड में भी हुकूमत मुखालिफ धरने। डेरा गाजी खान में शादी की तकरीब में फायरिंग से 4 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का है। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गिरोहों के अफराद रिकॉर्ड याफ्ता और क्रिमिनल्स हैं। कराची गुलिस्तान जौहर में गाड़ी के अंदर दम घुटने से 4 साल बच्चा जान बहक, 3 साल बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है दोनों बच्चे घर के बाहर खेलने के दौरान गाड़ी में चले गए थे। बांग्लादेश की सरहद पर भारत की इश्तियाल अंगेजी, भारतीय फोर्सेस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कत्ल किए जाने के वाकयात बढ़ने लगे। भारतीय फोर्सेस के हाथों 16 साल लड़की शनादर के कत्ल पर बांग्लादेश में गम गुस्सा। हुकूमत पर भारत के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव बढ़ने लगा। इंसानी हकूक के कारकुनों का बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत में मुकदमे का मुतालबा। रवा साल भारतीय फोर्सेज बांग्लादेश की सरहद पर 15 अफराद को कत्ल कर चुकी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसिल जनरल जाओ शीरीन से मुलाकात। चीन के यौम तासीस पर काउंसिल जनरल को मुबारकबाद दी। कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन की तेज रफ्तार तरक्की सबके लिए रोल मॉडल है।
मुल्की मईशत मुस्तहकम बनाने में चीन का तारीखी किरदार नाकाबिले फरामोश है। काउंसिल जनरल ने कहा, पाकिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त है, तआवुन जारी रहेगा। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल नहीं किया, मुल्क भर में धरनों का सिलसिला जारी रहेगा। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, हुक्मरानों से लड़ाई है, मसले के हल तक जंग जारी रहेगी, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की ओलंपियन अरशद नदीम के घर आमद। मोहसिनवाल में गवर्नर सिंध का शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने कराची मैराथन ब्रांड एम्बेसडर के लिए एमओयू पर दस्तखत किए। गवर्नर सिंध ने कहा, अरशद नदीम ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अरशद नदीम पर हम सबको फख्र है। अरशद नदीम ने कहा, कामरान टेसोरी के प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने थ्रो फेंक की तो होश उड़ गए थे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू में एतराफ, कहा, मैंने पहली थ्रो अच्छी की लेकिन फाउल हो गया, होश में ही नहीं था और अरशद नदीम ने शानदार थ्रो कर दी। कहा, मैं गुस्से में था कि किसी भी तरह अपने मेडल का दिफा करना है, लेकिन गुस्से में गलती की। ठीक ही कहते हैं, जोश के साथ होश भी रखना चाहिए। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। बयान में कहा, जाती वजूहात की वजह से ओहदा छोड़ने का फैसला किया। पीसीबी का कहना है, उम्मीद है मोहम्मद यूसुफ इदारे में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ ने रवा साल सिलेक्टर का ओहदा संभाला था। टी20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश के खिलाफ टीम मुंतखब करने वाली कमेटी का हिस्सा थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज़े कल्ब का दिन मनाया जा रहा है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल अमराज़े कल्ब के बायस 4.5 लाख, रोजाना 1500 अफराद दम तोड़ जाते हैं। कराची में साइकिल रैली का इनेकाद, 600 से ज्यादा साइकिलिस्ट की शिरकत। सऊदी अरब से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामत। नीपा पर वाकई सिंध हुकूमत के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट जराय का कहना है, इमिग्रेशन एरिया वॉकवे एरिया को स्प्रे के जरिए डिसइंफेक्ट किया गया। न्यूयॉर्क में भारतीय वजीर खारजा की अकवामे मुत्तहिदा से खिताब के कराची यूनिवर्सिटी रोड पर लीगी जनरल सेक्रेटरी यूथ रेहान मुस्तफा की गाड़ी की टक्कर से जख्मी शहरी अथर दम तोड़ गया। शहरी रॉन्ग वे से आने वाली गाड़ी की टक्कर से जख्मी हुआ था, 5 रोज से अस्पताल में जेरे इलाज था। मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का ड्रामा रचाया जा रहा है। इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार भारत के प्लांटेड हैं। कश्मीर की सारी लीडरशिप जेल में है तो इलेक्शन कैसे हो रहे हैं? कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक कहती हैं, भारत यासीन मलिक को फांसी देना चाहता है। फलस्तीन जैसे हालात मकबूजा कश्मीर में भी हैं। अक्वामे मुत्तहिदा में कश्मीर और फलस्तीन का मसला हल नहीं हो रहा, अमन के सारे रास्ते फेल हो गए। न्यूयॉर्क में भारतीय वजीर खारजा के अक्वामे मुत्तहिदा से खिताब के दौरान कश्मीरियों का एहतजाज, मोदी सरकार के खिलाफ और कश्मीर की आजादी के लिए नारे। मकबूजा कश्मीर में जारी इलेक्शन को ढोंग करार दे दिया। आलमी बिरादरी से अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। अमरीका में तूफान हेलन से तबाही, 5 रियासतों में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 61 हो गई। शुमाली कैरोलिना के साहली इलाकों में मुतअद्दिद मकानात तबाह, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। 10 रियासतों में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। पैंथर्स चैंपियन वनडे कप की पहली चैंपियन टीम बन गई। फाइनल में मार्कोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इवेंट का फाइनल एकतरफा रहा। मार्कोर्स का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला बैक फायर कर गया। पूरी टीम सिर्फ 122 रन पर ढेर। फखर जमान के 46 रन, 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। हसनैन और अरफात मिनहास के 3-3 शिकार। शादाब 11 ने 123 रन का हदफ बआसानी 18वें ओवर में हासिल किया। अब्दुल बंगलजई ने 41 रन स्कोर किए। फाते खिलाड़ियों ने कामयाबी पर ग्राउंड का चक्कर लगाया, जीत का जश्न मनाया। इवेंट का फाइनल ए स्पोर्ट्स ने बराह रास्त दिखाया। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल सब पर भारी, लगातार 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। अल खुलूद को सनसनीखेज मुकाबले में 4-2 से पछाड़ दिया। पॉइंट टेबल पर अल हिलाल की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के स्क्वाश खिलाड़ी आसिम खान ने करियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल अपने नाम कर लिया। आसिम खान ने अमेरिका में शार्लट्सविल ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल जीता। फाइनल में इंग्लैंड के निक वॉल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-1 से शिकस्त दी।
और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। मौसीकी ने मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा कर दिया। ऑडिटोरियम के साथ आर्ट्स काउंसिल के आंगन में भी फनकार भरपूर सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। शहरियों ने गैर मुल्की फनकारों की आमद पर खुशी का इजहार किया।